नमस्कार, मैं हूं दोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। विदर्भ में दो विधान परिषद सीटों के लिए आगामी 1 दिसंबर को मतदान होगा। नागपुर विभाग से ग्रेजुएट कॉन्स्टिटेंसी और अमरावती विभाग से शिक्षक कॉन्स्टिटेंसी के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। ग्रेजुएट कॉन्स्टिटेंसी चुनाव के माध्यम से ऐसा युवक जो ग्रेजुएट हो और वो अपने समस्याओं को सुलझाने के लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, पर हर साल में ये होने वाला चुनाव युवा वर्ग को ही पता नहीं रहता और ना ही इसकी कोई जानकारी रहती है। इसकी मुख्य वजह इस चुनाव का अन्य चुनाव जैसे राजनीतिकरण का हो जाना है। ग्रेजुएट कॉन्स्टिटेंसी में पढ़े लिखे युवाओं को जानकारी मिल सकती है कि संविधान में खास ऐसे जनप्रतिनिधि की व्यवस्था की है जो उनके मुद्दों को विधानमंडल एवं सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अब पढ़े लिखे और प्रोफेशनल के मुद्दे, उनसे जुड़े रोजगार, शिक्षा व्यवस्था, मूलभूत सुविधाएं, पढ़ाई में आने वाली दिक्कत के लिए या फिर प्रोफेशनल के अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं। ये चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है और आप उम्मीदवार को सीधा वोट ना देते हुए आपकी पसंद के क्रम के हिसाब से चुन सकते हैं। जैसे अगर 10 प्रत्याशी हैं तो आप सिर्फ एक को ही मत ना देते हुए सभी प्रत्याशियों को अपने पसंद के हिसाब से क्रम देते हैं।